करना करो भाई, जोरदार तालियां, तालियां। निवेदन करना चाहूंगा, निवेदन आपसे है कि अपने खिलाड़ियों को लेकर के यहाँ पर आ जाएं, दोनों टीम चाहे वो एमसीसी मिझौड़ा हो या फिर एके ब्रांड हाउस की टीम हो, दोनों टीमों के कैप्टन से मैं आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन इल्तिजा गुजारिश, आपने यहाँ पर बहुत इनाम वितरण का जो है वीडियो अलग से मैं बना रहा हूँ, लाइव नहीं चलाऊंगा और क्योंकि थोड़ा अच्छे क्वालिटी में डालो, बहुत ही अकल्पनीय मैचेस रहे हैं इस टूर्नामेंट में। जनाब प्रधान जी राजन साहब, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो प्रार्थना है तो आप भी आ जाइए, आपका इंतजार यहाँ कमेटी कर रही है। आदरणीय जनाब राजन साहब, एके ब्रांड हाउस के मालिक साहब से भी निवेदन है, आप भी आ जाइए, एके ब्रांड हाउस आप भी आ जाए। और भाई आदर जी मौजूद है अपने टीम के साथ, देखे ब्रांड हाउस के जो कैप्टन है, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने इस टूर्नामेंट में निश्चित तौर पर जो अपनी उपस्थिति बनाई वो बहुत ही अच्छा लगा इस टूर्नामेंट में आकर के। दोनों टीमों के कतारबद्ध हो जाए, हमारे बीच ग्राम सभा मिझौड़ा के प्रधान राजन प्रधान जी उपस्थित। थोड़ा हट जाओ यार, लड़कन पीछे जा थोड़ा से, कैमरा दे दीजिएगा जिससे बढ़िया बढ़िया फोटो कैप्चर हो सके, क्योंकि स्मृतियां याद रहती है जब हम फेसबुक पर डालते हैं और 10 साल बाद जब हम उसको देखते हैं तो लगता है कि नहीं हमने वहां पर क्या किया था, हमारी उपस्थिति किस प्रकार। तो आप सभी लोगों से निवेदन है जनाब राजन खान साहब, इस समय जिनके द्वारा एक ट्रॉफी चमचमाती ट्रॉफी जो यहाँ पर दिख रही है उनके कर कमलों के द्वारा दिया गया था, तो अभी कुछ ही देर में यहाँ पर पुरस्कार वहाँ पर ट्रॉफी इनाम दिए जाएंगे, कटाओ का बारह तमाम क्षेत्र के जो महान विभूतियाँ हैं, महान हस्तियाँ हैं, तमाम ऐसे शख्सियत जिन्होंने इस टूर्नामेंट को शानदार तरीके से आयोजन कराने में अपना अहम योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शांति से सुनो, शांति से। वो फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए, कहाँ से शुरू करना है, ये पुरस्कार वितरण समारोह का जो सिलसिला है इसको आगे किस तरह से बढ़ाना है, एक बेहतरीन मोबाइल में कैप्चर करते रहिएगा इन सब लम्हों को, ऐसी स्मृतियों को, ऐसे क्षण को। जी हाँ, हमारे स्कोरर महोदय बता रहे हैं फाइनल का जो है मैन ऑफ द मैच आरिस है, आरिस भाई रास्ता छोड़ के रखो यार, छोड़ के रखो, चौतरी दिखे दो यार, जो पर्दे के पीछे होते हैं, पर्दे के पीछे यानी उनको आप लोग नहीं जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, जैसे बाल बाहर जाती है उनको लाना, या फिर सपोर्टिंग स्टाफ जो पिच मैदान पर ग्राउंड को जो है बेहतरीन तरीके से सजाते हैं उनका काम, या फिर जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं पर्दे के पीछे उनका काम, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो टूर्नामेंट को सफल कराने में अपना योगदान देते हैं। तो मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम वॉलंटियर को मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने अहम योगदान दिया है। हमारे साथ में हमारे साथी भाई जनाब रहमतुल्ला साहब है, वो बताएं मुझे पहले किसको आमंत्रित करना है इस क्रम में। वीडियो सबसे पहले कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाएगा, देखिए इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब इनाम नहीं दिया जाता है टीमों को चीजें चली जाती हैं, दर्शक भी चले जाते हैं, और इसलिए ये सामने बैठो सामने से हमारे जो स्टाफ मेंबर्स के लोग हैं उनको पुरस्कार दिया जाएगा, उनका सम्मान करना हम सभी लोगों का उत्तरदायित्व है, और इसलिए क्योंकि आगे वर्षों में यही वो जो है लोग होते हैं जो अपना मेहनत करते हैं और दूर दूर रखे तमाम टूर्नामेंट को सफल रूप से आयोजन करवाते हैं। Thank you.
जनाब शाह आलम साहब आपसे निवेदन है, गुजारिश है, और जनाब अफजल खान साहब आपके कर कमलों के द्वारा हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को पुरस्कृत किया जाएगा। जनाब अफजल खान साहब आप आगे आ जाइए, जाओ 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 भाई जाओ जाओ, यहाँ पर पुरस्कार तमाम लोग जो यहाँ से बाहर भी विदेशों में रहकर के इस मैच का आनंद ले रहे हैं। बुलेट न्यूज इस समय बहुत सक्रिय भूमिका में इस समय बुलेट न्यूज है, जिसके इस समय संचालक हैं जनाब साकिब साहब, अपने मोबाइल कैमरे के साथ पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बुलेट न्यूज के ऑनर भाई साकिब जी, निश्चित तौर पर बहुत ही लाजवाब टूर्नामेंट, और सभी मेमोरीज वो कैप्चर हो चुके हैं वीडियो के रूप में, लाइव वीडियो भी चले हैं। तो बुलेट न्यूज पर आप पास्ट मैच इसका आंखों देखा हाल देख सकते हैं। साहब आए और अपना पुरस्कार ले जाएं, आप इस टूर्नामेंट में एक सपोर्टिंग मेंबर की हैसियत से इस पुरस्कार को प्राप्त कर रहे हैं। इजहार के लिए आप आए होने चाहिए, आपकी उपस्थिति बन रही है भैया। मैच को इस लम्हे को आप कैप्चर करती रहिएगा कोई अच्छे कैमरे में, ध्यान रखिएगा इन बातों को। इसी क्रम में अगला जो पुरस्कार है वो है अहबाब जी को आईफोन 20। देखिए आपके ही लोग हैं, आपके ही घर, आपके मोहल्ले, आपके गांव के लोग हैं, और ऐसे लोगों का उत्साह वर्धन होना चाहिए। इसी क्रम में सिप्पू जी, सिप्पू शेख जी को आमंत्रित किया जाता है, एक बार सिप्पू के लिए जोरदार तालियां। सिप्पू है क्या, अगर नहीं हो तो उनके कोई साथी, उनके घर वाले ये पुरस्कार ग्रहण कर सकते हैं। अब सूर्य देखिए खुल चुका है, बहुत अच्छा मौसम, तालियां बजा दीजिए मौसम के लिए। हस्तान को बुलाया जा रहा है, आइए हस्तान जी, और ये लोग हैं जो बहुत शानदार तरीके से पूरे टूर्नामेंट में बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत के लिए तालियां आप लोग बजाते रहिएगा। एक हाथी खड़े रहे छोटू गोलवा जी, छोटू गोलवा जी आइए और अपना इनाम ग्रहण करिए। छोटू जी गुड यू हाइस टूगेदर, जोरदार तालियां छोटू जी के लिए। ये लाजवाब प्रसन्न होते हैं जो मैच को बहुत शानदार तरीके से शुरू कराते हैं। नज्जू बेग आ जाए, नज्जू उधर से, उधर उधर से खाली है, कुर्सियां हटाए दो यार, फालतू रखो। उधर करिए चेहरा और कैप्चर करवाइए अपने इस मोमेंट को लाजवाब। इसी क्रम में अगला पुरस्कार है आपको, कैफ आए जाओ, कैफ जाओ, कैफ दुकान नाम हालांकि लिखा है, कैफ दुकान आइए पुरस्कार प्राप्त करिए। ये छोटे छोटे बच्चे सुनहरे भारत का भविष्य हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। गुफरान आ जाए, गुफरान गुफरान कहाँ है, आइए और अपना पुरस्कार, ये पुरस्कार चाहे एक रुपए का हो चाहे चल चाहिए पिया जी हो, पुरस्कार जब आपको दिया जाता है पब्लिक के लिए बहुत बड़ा जो है आप गुफरान साथ प्राप्त करते हैं। सोहराब जी आ जाए, सोहराब जी, सोहराब जी आ जाए पुरस्कार प्राप्त करे। शाह आलम जी और अफजल खान साहब इस समय इस पुरस्कार को वितरित कर रहे हैं। मुंडी चल अंदर भग, भूत जा रही नहीं हमें, पीछे रहो कामराज के लिए एक बार जोरदार बच्चे जो बहुत ही शानदार तरीके से प्रतिभा कर रहे हैं, सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर की तरफ से यही बड़े खिलाड़ी भी बनकर निकलेंगे। एक आदि खड़े रहे कामरा रियान, रियान के लिए तालियां हो जाए। ये बहुत अच्छी पहल है कि पहले पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो हमारे वॉलेंटियर को दिया जा रहा, अन्यथा भीड़ यहाँ पर समाप्त हो जाती अगर यहाँ हम दोनों टीमों को पहले पुरस्कृत कर देते। आमिर जी, आमिर जी आ जाए, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है,
और इस तरह से अभी और कुछ इनाम है और कुछ लोगों का इनाम है जिनमें छोटे बच्चे का इनाम। एक बार तालियां इनके लिए। ये बच्चे पढ़ लिख करके आगे जाएंगे लेकिन आपके आगे पढ़ने में कहीं ना कहीं खेल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है पढ़ाई के साथ साथ। बाबू तो कहीं ना कहीं बाबू थोड़ा मुंडिया अंदर में रखो यार। अच्छे खिलाड़ी भी बनते हैं, अच्छे खिलाड़ी भी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। आइए और इनाम जो है मैं जब पलथी मार के बैठ जाए भगवान। और अब आइए हम चलते हैं उनकी तरफ जो कहे जाते हैं क्रिकेट के गॉड अंपायर राशिद जी के लिए जा रहा है। एक बार देखबाई नहीं करिए। अगला पुरस्कार है फहीम जी के लिए। ये अंपायर की भूमिका जो निभा रहे हैं फहीम खान जी, ये अंपायर के लिए है फहीम खान जी के लिए। और अब आ जाए सिप्पू भाई एक बार सिप्पू भाई के लिए जोरदार तालियां। सिप्पू भाई यहाँ आ जाइए, पहले फोटो कैप्चर करवा लीजिए। देखिए इनाम होता है, आप इस लम्हे को जरूर कैप्चर करवाइए। ये सिप्पू भाई ने बहुत शानदार प्रयास, बहुत ही लगातार अच्छा कार्य किया था अंपायरिंग में शुरुआती मैचेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ब्रांड हाउस के कप्तान, यानी अभी मैं कप्तानी की हैसियत से नहीं बल्कि मैं बुलाना चाहूंगा एक वॉलंटियर के तौर पर आमिर खान साहब को। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा फैजान जी को। फैजान जी आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। फैजान जी के लिए मैं जोरदार तालियां बजा दीजिए। खिलाड़ी के साथ साथ आयोजक मंडल जो होता है वो कहीं ना कहीं बड़े टूर्नामेंट को कराने में ही आगे बढ़ सकता है। आबिद किदवई जी और हमारे अफजल खान साहब कह रहे हैं, हमारे लंगोटिया यार आबिद किदवई जी आए। कहां भैया प्राप्त करें, चाहे यहाँ पर है या नहीं यार जा रहे हैं भैया। आबिद भाई जाओ जाओ जाओ, अरे सब रास्ता घेर के रखे हो, छत पर से देखो आराम से, पूरा दिखिए छत पर से। राउंड अप्लॉज, तालियां जरूर होनी चाहिए सभी के लिए। और हमारे अंपायर, एक और अंपायर भाई शहबाज भाई आप आगे आ जाए। शहबाज जी भैया शहबाज, जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम, जोरदार तालियां सभी लोग बजा दीजिए। देखिए हर इंसान के जीवन में खुशी का दम होता है और तालियां वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है, तो जोरदार तालियां बजाया कीजिए। आइए चलते हैं सारिफ मिर्जा जी आ जाइए। सारिफ मिर्जा जी टीम के आयोजक मंडल की तरफ से बहुत ही लाजवाब कार्य रहा है सारिफ भाई का। निश्चित तौर पर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक बड़े खिलाड़ी के रूप में जनाब सारिफ मिर्जा जी। उमेश कुमार जी आ जाए। उमेश कुमार अरे जा भैया जा भैया पीआईडी में है आप, और निश्चित तौर पर थाने पर भी आपकी ड्यूटी लगी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक शानदार अंपायरिंग की जिम्मेदारी जिन्होंने मैदान में निर्विवाद रूप से दिया था। नफीस सिद्दीकी जी आ जाए। बघेल नफीस सिद्दीकी जी यही खाती खड़े रहे, स्टैंड बचाओ। नफीस सिद्दीकी साहब आइए, बहुत ही शानदार कार्य लोगों का पूरे टूर्नामेंट रहे। मामा वारियर खड़ा हुए हमारे मामा वारियर का खड़ा हुए पे भैया। बहुत ही लाजवाब पर्सन है भाई रहमतुल्लाह जी, इनको हम लोग बचपन से जानते हैं। हिलत का यार तो समय मैं अब बुलाना कमजोर खावाज नहीं आयो का, जिनकी जिम्मेदारी होती है अपना कमेटी समोसा दिए बिरयानी दिए रुके रहे वहाँ सही तरीके से अंकित करे। तो ऐसे स्कोरर अता मलिक को मैं बुलाना चाहूंगा। अता मलिक जी आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, अच्छी यहाँ पर स्कोरिंग की है अता मलिक ने। बहुत ही शानदार कार्य रहा है पर्दे के पीछे। अता मलिक को यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है।
और हमारे साथी कमेंटेटर आज हमारे मित्र जनाब अकरम हाशमी साहब नहीं आ पाए हैं, उनका भी इनाम रखा है, हालांकि उन तक पहुंच जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे साथी कमेंटेटर भाई गुडलक जी आ जाए, गुडलक जी अच्छी गुडलक जी आ जाए और अपना इनाम यहाँ पर प्राप्त करें। गुडलक जी जिन्होंने शानदार तरीके से यहाँ पर सबको एंटरटेन किया अपने शायरियों के बदौलत और अपने कमेंट्री के बदौलत, लाजवाब गुडलक। फैसल जी आ जाए, फैसल थैंक यू सो मच सभी का। फैसल जी जो लगातार बाइक से इतनी मीठी मीठी आवाज आप तक पहुंच रहे थे भाई, फैसल जी इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सभी लोग। नौसाद जी आ गए, नौसाद कंबल दी होगा, नौसाद जी नौसाद का कंबल दी होगा, बहुत अच्छा है नौसाद जी ने। और हमारी तो बस बस वही बात, ज्यादा ना खिंचाओ, मेमोरी खाली नहीं ना। जी भाई पीछे पीछे यार मैं आपके मैच के उस खिलाड़ी को बुलाना चाहूंगा जिसने फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपने प्रदर्शन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, भाई आरिफ जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि यही है मैन ऑफ द मैच। आरिफ जी जिन्होंने बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, क्षेत्र रक्षण तीनों विभाग में शानदार प्रदर्शन आपका रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं चाहूंगा मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज जानते होंगे आप सभी लोग, जो पूरे टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट खिलाड़ी होता है तीनों विभाग में, मैं बुलाना चाहूंगा बहुत ही बेहतरीन, तो बहुत ही लाजवाब क्रिकेटर, ऐसे होनहार क्रिकेटर जिन्होंने स्थानीय लोगों के अलावा उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोग जानते हैं, मैं ऐसे मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार विजेता मिस्टर फैजान जी को बुलाना चाहूंगा। बहुत ही लाजवाब क्रिकेटर, बहुत ही शानदार पर्सन, बहुत ही शानदार शख्सियत, तो इस समय मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। बहुत ही नजर का प्रदर्शन, हर मैच में इन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध की निश्चित तौर पर। अब क्या करियो राजा जी, फैजान ठंडी खत्म, ठंडी खत्म ला चोर आप बेच आए। एके ब्रांड हाउस आमिर खान साहब आए और पुरस्कार जो यहाँ पर तालियां नहीं बजा रहे यहाँ पर, लाजवाब प्रदर्शन रहा है एके ब्रांड हाउस की टीम का। निश्चित तौर पर जो प्रतिभाएं होती हैं वो प्रतिभाएं तभी नहीं रहती है जब अच्छा प्रदर्शन आप करोगे, और चेक भी है, बरसात थोड़ा हो गया था इसलिए सब इधर उधर हो गया, हालांकि रखा हुआ है। ये दूसरे नंबर की टीम रही रनर, देख लीजिएगा ये चेक है। इस समय जिन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, ये रामदुल्ला भाई हटो यार, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ करो भाई, जोरदार तालियां। ये दूसरे नंबर की टीम रही यानी इस फाइनल मैच की रनर रही है टीम आमिर खान ब्रांड हाउस, जिसके कैप्टन को इस समय पुरस्कृत किया गया। और अब मैं बुलाना चाहूंगा विनिंग टीम के कैप्टन मिस्टर रहमतुल्ला साहब को, तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत ही लाजवाब। रहमतुल्ला जी ने रोए लगी क्या गजब का परफॉर्मेंस दिया था। मैं चाहूंगा कुछ शब्द जीते हुए कैप्टन भाई रहमतुल्ला जी यहाँ पर हम सभी को रखे, कुछ शब्द रहमतुल्ला जी, बहुत ही लाजवाब प्रसन्न।
इस समय विजेता ट्रॉफी के साथ इसका पुरस्कृत किया जा रहा है। जनाब शाह आलम, जनाब राजन साहब, जनाब अस्कर खान साहब की तरफ से चेक भी दिया जा रहा है। लीजिए चेक भी प्राप्त करिए। हे कोबरा भाई जाओ यार, आप लोग फोटो दोबारा खिंचवा लीजिएगा पूरे टीम के साथ में बाहर, यहाँ से जब आप लोग निकलिएगा। ट्रॉफी आगे रख दो ना, ट्रॉफी ट्रॉफी भी पकड़िए क्योंकि कैप्चर हो रहा है मोबाइल कैमरे में। तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत ही शानदार गजब का परफॉर्मेंस रहा है एमसीसी मिठोड़ा का। और मैं चाहूंगा रहमतुल्ला जी दो शब्द हम लोगों के बीच में अवश्य रखिए। अरे रोवे लगी है यार, उन्हें ना बुलाओ यार, ना बुलवाओ यार, रोवे लगी है। चलो 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 पहले मैं कह दी नहीं मोदी। दूसरी बात ये है मैं सिंह को झगड़ा नहीं कभी, दोनों टीम नहीं भाई, ये मेरी खुशी है कि हमारे गांव की दोनों टीमें फाइनल खेली, इससे बड़ा मुझे और कुछ नहीं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रहेगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया। हाँ वहाँ बीच पे आपकी टीम जीतती है और यही हुआ। गरिया मंगाए मेडल लगा दीजिए, मेडल लगा दे दो, पहना लीजिए और उसके बाद फोटो भी कैप्चर करवा लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भैया ट्रॉफी जा रही चमचमाती हुई ट्रॉफी मिझोड़ा ए के साथ। अजान हो रहा, बंद कर दो, अजान हो रही है। और मैं कहूँगा ऐसे ही खींची, फुल खींची, भागो यार। हाँ वीडियो 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 और चल खींच लाओ तो यहाँ पर फाइनल मुकाबला खत्म होता हुआ। तो आज यहाँ पर मिझोड़ा का जो टूर्नामेंट है, आज टूर्नामेंट भी पूरी तरीके से समाप्त होता हुआ। तो जो था यहाँ का फाइनल, वो फाइनल था ब्रांड हाउस वर्सेज मिझोड़ा ए, जिसमें से ब्रांड हाउस को शिकस्त खानी पड़ी और मिझोड़ा ए को बहुत ही शानदार जीत मिली। तो सभी लोग वहाँ पर फोटो सेल्फी ले रहे हैं, तो मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। तो करते हैं आज के मैच को यहीं पर समाप्त, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।